हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अमित। आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वी शेप बैक को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। देखिए, वी शेप बैक को डेवलप करने से पहले, कोई भी चीज में मेहनत करने से पहले उसके हमको बेसिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बेसिक्स नहीं जानते तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अचीव अवर गोल्स। तो बेसिक्स के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वी शेप को डेवलप करने के लिए, जो वी शेप बैक है उसको डेवलप करने के लिए कौन सी मसल की हमको एक्सरसाइज करनी पड़ती है जिससे कि हम वी शेप मसल को वी शेप बैक को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, हमारे बैक में तीन मसल ग्रुप्स होते हैं, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। तीन मसल ग्रुप होते हैं जिसमें से एक हमारा होता है ट्रेपीजियस मसल, जो कि हमारे यहाँ पे होते हैं जस्ट शोल्डर से थोड़ा ऊपर नेक के बिल्कुल पास। ये हमारे ट्रेपीजियस मसल होता है जो कि बैक मसल का पार्ट होता है। और दूसरा हमारा होता है लैटिसिमस डोर्सी, जो कि जिसे हम लैट्स कहते हैं, जो कि हमारे ये मसल होती है जिसे नोन एज लैट्स। और तीसरी हमारी जो लोअर बैक होती है जो कि यहाँ पे होती है, दैट इज नोन एज इरेक्टर स्पाइन। तो अब वी शेप मसल को अगर आपको डेवलप करना है तो कौन सी मसल को आपको टारगेट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जो मैंने आपको ये बताई, जो कि हमारी लैटिसिमस डोर्सी मसल है, ये मसल इसको हमें टारगेट करना होता है। इसकी हमको एक्सरसाइजेस ज्यादा करनी होगी अगर हमको एक अच्छी वी शेप बैक डेवलप करनी है। देखिए, बाकी किसी की अगर ज्यादा वी शेप है, कम वी शेप है, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, दैट ऑल डिपेंड्स। वो जीन्स का रोल होता है, जेनेटिक होता है। किसी को वी शेप बैक डेवलप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, किसी को बहुत टाइम लगता है। तो इट डिपेंड्स, वो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इंडिविजुअली वेरी करता है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे अभी फिलहाल जो इस वीडियो का टॉपिक है मैं उसे स्टिक रहूंगा कि आप एक वी शेप बैक कैसे डेवलप कर सकते हैं। लैटिसिमस डोर्सी मसल की हमको एक्सरसाइजेस करनी होगी। एक्सरसाइजेस कौन सी है मैं आपको नाम बता देता हूँ कुछ, जैसे कि लैग पुल डाउन। जो लैग पुल डाउन हम लोग करते हैं वो एक्सरसाइज आपके लैग्स को टारगेट करती है। जो डंबल रोइंग हम लोग करते हैं वो हमारे लैग्स को टारगेट करती है। बारबेल रोइंग, सीटेड रोइंग जो हम करते हैं वो हमारे लैग्स को टारगेट करती है। तो ये कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे पर्टिकुलरली लैग्स को टारगेट करती है। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारे लैग्स अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। और लैग्स देखिए ऐसी मसल है जिसमें मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग, अगर आप बिगिनर्स की खास करके बात करें, तो जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि वो देखिए बाइसेप हो गई, ट्राइसेप हो गई, चेस्ट हो गई, ये कहीं ना कहीं ऐसी मसल्स हैं जो आप थोड़ा बहुत 19-20 हो जाएंगे फॉर्म में तो भी आपकी हिट हो जाएंगी। बट लैट्स उन मसल्स में से एक है जिसमें आपको वेल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइजेस आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आपकी जो फॉर्म और टेक्निक है वो बिल्कुल सही है। अगर आपकी फॉर्म और टेक्निक में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, अगर आपके लैट्स पे लोड नहीं आता है, तो आपके लैट्स डेवलप होना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए फॉर्म और टेक्निक का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। इस वीडियो में मैं फॉर्म और टेक्निक के बारे में आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पर्टिकुलरली लैट्स के लिए जो एक्सरसाइजेज होती है उसकी फॉर्म और टेक्निक क्या है, ताकि आपके मसल पे, आपके लैटिसिमस डोर्सी मसल पे ज्यादा से ज्यादा लोड आए। इसके इंसर्शन ओरिजिन जो होते हैं, जो ओरिजिन है इसका वो बहुत सारी जगहों से है, जैसे कि आपका स्कैपुला, लोअर स्कैपुला हो गया, आपकी रिब्स हो गई, आपका जो वर्टिब्रा, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हो गया। तो बहुत सी जगह है जहां से इसका ओरिजिन होता है। और इंसर्शन जो इसका होता है वो हमारे हाथ के ऊपर ह्यूमरस बोन पे होता है पीछे से। तो ये इसलिए ये बहुत बड़ी मसल है वी शेप मसल। जब ये डेवलप होती है, ये बाहर निकलती है, तो ऑटोमेटिकली ये हमको वी शेप देती है। देखिए, बेसिक फंडा मैं आपको बता दूं, किसी भी एक्सरसाइज का जो हम परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज को, तो एक्सरसाइज को परफॉर्म करने की जो टेक्निक होती है उसका बेसिक फंडा मैं आपको बताता हूँ। कोई भी मसल, हर एक मसल का, हर एक मसल ग्रुप का एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक होता है उसका इंसर्शन पॉइंट। जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जब भी मसल इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है तब वो मसल होती है कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तभी उस पर लोड पड़ता है, उस पर टेंशन आती है। और जब उस पर टेंशन आती है वो मसल टिश्यूज पे ब्रेक होते हैं, तभी वो बाद में रिकवर होते हैं, दे बिकम स्ट्रॉन्गर देन बिफोर और वो ग्रो करते हैं। तो ये बेसिक फंडा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं, सबसे बेसिक बाइसेप्स की अगर हम बात करें तो बाइसेप्स का ओरिजिन ह्यूमरस बोन होता है और जो इंसर्शन होता है वो हमारा नीचे होता है रेडियस और अल्ना बोन के, ये इंसर्शन। तो जब भी हम इसको कर्ल करते हैं तो इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है मसल,
इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है, तभी इस पे लोड पड़ता है जब हम वेट उठाते हैं, लोड पड़ता है, मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, जो माइक्रो ट्रॉमा होता है तभी इस पे लोड पड़ता है और तभी यह मसल टूटता है, टेंशन आती है इसको और वो ग्रो करता है। तो ये भी बेसिक फंडा है जो हर एक्सरसाइज पे लागू होता है, चाहे आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो, शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हो, या आप अपनी लेग्स को ट्रेन कर रहे हो, वेदर यू आर ट्रेनिंग योर क्वाड्स, योर हैमस्ट्रिंग्स, योर काफ्स, ग्लूट्स, जो कुछ भी है, हर मसल इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है तभी वो ट्रेन होती है। तो आई होप आपको बेसिक फंडा पता चल गया होगा कि हमें अपनी जो बैक है उसको हम वाइड कैसे कर सकते हैं, अपनी बैक को हम वी शेप कैसे बना सकते हैं। एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है लैटिसिमस डोर्सी की, जो कि हमारी लैट्स है, एक्सरसाइज मैंने आपको नाम बता दिए। आपको लैट पुल डाउन करना है, आपको वन आर्म डंबल रोइंग, बारबेल रोइंग, सीटेड जो रोइंग हम करते हैं एक्सरसाइजेस वो करनी है, सारी हमारे लैट्स को टारगेट करती हैं। और इनको इन एक्सरसाइज को आप सही से परफॉर्म करेंगे तो यकीनन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैटर नहीं करता आपको रिजल्ट्स कुछ दिनों में मिलते हैं, मंथ्स में मिलते हैं या ईयर में मिलता है, ऑब्वियसली रिजल्ट्स आपको कुछ ही दिनों या महीनों में मिल जाएगा अगर आप एक्सरसाइज को बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। और किसी से कंपेयर मत कीजिएगा इस अपने आपको कि फलाने बंदे की तो जो फिजिक में इंप्रूवमेंट है या चेंजेस है वो कुछ महीनों में आ गए, या उस बंदे ने सिर्फ 2 साल करी उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन गई, उसने 1 साल करी उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन गई, मेरे को टाइम लग रहा है। देखिए टाइम लगने के जो रीजन होते हैं आप सब लोग जानते हैं, मैं बता देता हूं उसके बावजूद भी टाइम लगने के जो सबसे बेसिक और सबसे मोटे रीजन होते हैं वो होते हैं एक्सरसाइज को सही से परफॉर्म ना करना, रेगुलर ना रहना, डाइट को सही से अपना जो आपका न्यूट्रिशन है वो टाइमली आप अगर जब सही नहीं लेते हैं या आप उसमें गड़बड़ करते हैं तो रिजल्ट्स डिले होते हैं या रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है गाइस। तो उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और बाकी लैट्स का मैंने आपको बता ही दिया है, वी शेप मसल चाहिए, आंसर वी शेप बैक चाहिए, तो लैटिसिमस डोर्सी मसल की एक्सरसाइजेस करें। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ लैट्स की करें, बाकी भी आपको करनी है, ये नहीं कि मैंने लैट्स बोले तो आप सिर्फ लैट्स की ही जाके करेंगे, नहीं, लैट्स की तो आपको करनी है, विषय के लिए लैट्स करनी है, बाकी आपको ट्रैप्स भी अपने करने हैं, आपको अपने इरेक्टर स्पाइनल मसल का भी ध्यान रखना है, उसकी भी एक्सरसाइज करनी है, डेडलिफ्ट बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, तो ये सारी आपको करनी है जिससे कि आप एक बहुत ही अच्छी विषय बैक डेवलप कर सकते हैं। होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, मैं आप लोगों की जितनी भी मैं कर सकता हूं हेल्प करूं फिटनेस से रिलेटेड, तो गाइस प्लीज 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 इस वीडियो को आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करें। आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं बनाता रहूंगा। देखिए मोटिवेटेड तो मैं हूँ, वीडियोस इस चैनल पर आती रहेंगी, बट आपका सपोर्ट रहेगा तो आपकी और मेरी दोनों की जर्नी बहुत आसान रहेगी और इंटरेस्टिंग रहेगी। सो गाइस प्लीज मेक श्योर यू लाइक शेयर इस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।